रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की तस्वीरें आप पिछले 8 महीने से लगातार देख रहे हैं। ज्यादातर तस्वीरों में आपको यूक्रेन की तबाही नजर आती है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस की है। आग की लपटों से घिरी रिहायशी इमारत, आग बुझाते दमकल कर्मचारी, चारों तरफ मचा हाहाकार और मलबे में तब्दील हो चुका ये रूस की सेना का लड़ाकू विमान। तस्वीरें रूस के दक्षिण पश्चिमी शहर येस्क की हैं। यहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ये लड़ाकू विमान इस अपार्टमेंट से टकराकर क्रैश हो गया। घटना के बाद जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि ये हादसा कितना भयावह है। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में अब तक करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले बाहर निकल चुका था, क्योंकि मौके से एक पैराशूट भी बरामद हुआ है। अब तक की जांच में पता चला है कि ये रूस का फाइटर जेट सुखोई 34 था। रूस के जिस शहर येस्क में यह हादसा हुआ है वो आजोव सागर के किनारे पर है, जबकि सागर के दूसरी ओर यूक्रेन का किनारा है। खबर है कि सुखोई 34 मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर विमान था, जो पास के ही एक एयरफील्ड से ट्रेनिंग के लिए उड़ा था, लेकिन इसी बीच ये इस इमारत से टकरा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्रैश इंजन में आग लगने की वजह से हुआ था। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक जब ये हादसा हुआ तो पूरी इमारत एक आग के गोले में तब्दील हो गई और इमारत की 5 मंजिलें पूरी तरह से आग की चपेट में आ गईं। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रेस्क्यू अभियान लगभग खत्म हो चुका है, मलबा हटाने का काम जारी है। अब तक 10 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक अपार्टमेंट से 360 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें से 68 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में रूस ने गंभीरता दिखाते हुए आपराधिक जांच शुरू करने का फैसला किया है। देश की जांच समिति ने कहा है कि घटना की परिस्थितियों और कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।